हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सोनिया। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम योर एक्सरसाइज 12.3 फ्रॉम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो इसमें क्या दिया हुआ है आपको कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू 2 एंड बी इज़ इक्वल टू -2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। अभी तक हमने जो 1, 2, 3 क्वेश्चन किए उसमें आपके पास एक ही वेरिएबल की वैल्यू गिवन होती थी, लेकिन फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको 2 वेरिएबल्स दे दिए हैं और दोनों की वैल्यू ही आपको गिवन है। तो आपको जो भी एक्सप्रेशन गिवन है उसकी जस्ट आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बस बहुत ईजी है, बस आपने क्या करना है इन वैल्यूज़ को इस एक्सप्रेशन में पुट करना है एंड देन आपको सॉल्व कर देना है। क्लियर? तो पार्ट ए की बात करते हैं। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर है, तो यहाँ पर ए के प्लेस पर हमने क्या पुट करना है 2 एंड बी के प्लेस पर क्या पुट करना है -2। सो ए के प्लेस पर 2 पुट करेंगे तो 2 स्क्वेयर हो जाएगा प्लस बी के स्क्वेयर पे क्या है माइनस का 2, तो ये पावर 2। अब 2 के स्क्वेयर करेंगे तो 4। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जब भी अंदर आपके पास नेगेटिव नंबर हो उसकी पावर क्या हो इवन हो तो हमेशा नंबर कैसा बन जाता है पॉजिटिव बन जाता है। तो 2 की पावर 2 करेंगे तो 4, तो ये कैसा हो जाएगा पॉजिटिव 4। सो आंसर विल बी योर 4 + 4 = 8। क्लियर? नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेकेंड पार्ट की। ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, यहाँ पे भी अगेन आपको ए की वैल्यू 2 पुट करनी है और बी की वैल्यू क्या करनी है -2। ए के प्लेस पे 2 पुट करेंगे तो 2 की पावर क्या हो गया 2, और ए की वैल्यू कितनी है 2 एंड बी की वैल्यू कितनी है -2 एंड बी की वैल्यू कितनी है -2 की पावर क्या हो जाएगी 2। सोल्व करेंगे 2 की पावर 2 करेंगे तो 4। अब देखिए 2 पॉजिटिव है और 2 नेगेटिव है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है, तो आंसर यहाँ भी ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव, तो आंसर कैसा आ जाएगा नेगेटिव का 4। अब देखिए ये नंबर तो नेगेटिव है लेकिन पावर कैसी है इसकी इवन है, तो ये नंबर क्या बन जाएगा प्लस का 4। सो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, सो योर आंसर विल बी 4। नाउ मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस सम। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, जस्ट यू हैव टू पुट ए इज इक्वल टू 2 एंड बी इज इक्वल टू -2। ए के प्लेस पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 2, सो 2 स्क्वेयर माइनस बी के प्लेस पे क्या है आपके पास -2 की पावर क्या हो जाएगी 2। सो 2 स्क्वेयर क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 माइनस, अब 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा और माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 4 - 4 योर आंसर विल बी 0। क्लियर? आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम योर एक्सरसाइज नंबर 12.3 फ्रॉम चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एंड डू वॉच माई नेक्स्ट वीडियो फॉर मोर क्वेश्चन। थैंक यू एंड बाय बाय फॉर नाउ।